हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। जो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिपोर्टिंग टाइम पर अपने साथ में लेकर जाने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको भी बनवाने हैं तो कैसे फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिटेल इस बारे में हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, वापस से मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ, हेल्पलाइन नंबर जो ऑफिशियली अनाउंस की गई है उसमें जो ये नंबर दिया हुआ है सबसे ऊपर में फ़ोन नंबर, ये नहीं लगता जो मैंने आपको बताया। इसमें मैंने कॉल कई बार की है पर आज तक इसमें कनेक्ट नहीं हो पाया है, बट मोबाइल नंबर जो लिखा हुआ इसमें हर बार कनेक्ट होगा और ये लोग प्रॉपरली रिप्लाई भी दे देंगे। ठीक, उसके अलावा अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेरी आ रही पर, मतलब कि जो मोबाइल नंबर इसमें आपको इस टाइम पे ही कॉल करना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 5:30 मतलब ऑफिशियल टाइम पे ही कॉल करना है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंस वाला आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा या फिर कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं जो अब वापस से सुधार आप नहीं पा रहे हैं, तो इस टाइप के सिनेरियो के लिए ये ईमेल आईडीज दी गई हैं, इनमें आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक, उसका रिजोल्यूशन फिर ये लोग करने का वहाँ पे प्रयास करेंगे। अभी हम देखते हैं वापस से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो सर्टिफिकेट दिखा है एनेक्सर वन में, ये पूरा जो पीडीएफ आपको मैं दिखला रहा हूँ, आप सभी को पता है कि मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा पे आसानी से दिख जाएगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे उसका चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी जो लिखा है इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। सिंपली आप इसी पेज को प्रिंट आउट कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। यहाँ पे फोटो लगाना है, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डेट ये सब आपको कुछ लिखना नहीं है। जहाँ आप जाएंगे जिस अथॉरिटी में बनवाने के लिए, वहाँ पे वो लोग खुद सब डिटेल फिलअप करके अपना देंगे। किस प्रकार की डिसेबिलिटी यहाँ पे मान्य है वो सब बातें यहाँ पे मेंशन है। देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ साइन वैन ये सब चीज़ें स्पेशलिस्ट लोगों की लगनी है। अब यहाँ पे एक लिस्ट लिखा है एनेक्सर टू में, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, खासकर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाले के लिए, कि कौन कौन से स्टेट मतलब सिटीज़ जो डिफाइन किए गए हैं, कहाँ कहाँ के कॉलेजेस या जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो किस प्रकार की डिसेबिलिटी को सर्टिफाई करने के लिए वो लोग सर्टिफिकेट्स देंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल करके लिखा हुआ है, दिल्ली में है ये। ऑल डिसेबिलिटीज एज मेंशनड इन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट ऑडिटरी डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब सभी प्रकार की डिसेबिलिटी के लिए आप यहाँ दिल्ली में जा सकते हैं, केवल ये दो डिसेबिलिटीज को छोड़कर। वैसे अगर देखें मुंबई में जो एक सेंटर बना हुआ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी ओनली, मतलब कि जिनको लोकोमोटर चलने फिरने में प्रॉब्लम वाली डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे जाएंगे तो उनका बन पाएगा, बाकी और किसी प्रकार की डिसेबिलिटी होगी तो दूसरा सेंटर उनको ढूंढना पड़ेगा। इसी प्रकार से पूरा यहाँ पे लिस्ट है अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे जाकर वो सर्टिफिकेट्स को पहले से ही, मतलब अभी जैसे रिपोर्टिंग टाइम आएगा उसके पहले पहले ही बनवा ले रहेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास फिजिकली वाला फिजिकली चैलेंज वाला एक सर्टिफिकेट तो होगा ही, बस आपको इस फॉर्मेट में उसको बनवाना है इन डेफिनेट सेंटर्स से। ठीक है, तो ये पूरा लिस्ट है, इसको मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट, एक जो ऑफिशियल लेटर वहाँ भेजा जा चुका है इन सेंटर्स में ताकि आप लोग वहाँ जाएँ तो किसी प्रकार की आपको सहूलियत ना हो, मतलब कि प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आपका काम वहाँ पे हो पाए, उसके रिगार्डिंग एक रेफरेंस लेटर भेजा जा चुका है अथॉरिटीज़ को, तो दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी प्रकार का काम करने में। फिर एनेक्सर थर्ड अपन देखेंगे, प्रोफॉर्मा फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट्स। तो आपको पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो ये सर्टिफिकेट से मैंने कल अथॉरिटी में बात की थी 8888C वाले काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर पर, उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट आप बनवाएगा तो वो बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, मतलब इसी साल का सर्टिफिकेट उनको चाहिए, यही प्रोफॉर्मा है। ठीक, तो इसी प्रोफॉर्मा को प्रिंट निकाल कर सब आपके पास पुराना वाला होगा उसको अटैच करके आप सबमिट करेंगे, सुबह देंगे शाम तक ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं होती है। तो ये सब बाकी तो सामान्य चीज़ें हैं, बाकी में हमारा काम भी कुछ नहीं, कुछ भरने का। नेक्स्ट हम देखते हैं एनेक्सर फोर, एनेक्सर फोर में क्या लिखा है, प्रोफॉर्मा फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। ये तो स्पेसिफिकली 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियरली बतला दूँ इसके लिए मैं आपको, तो ये सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में है, अगर आपके पास पहले का बना हुआ है तो उसके साथ आप इसको लगा कर दे देंगे, जल्दी आसानी से बन जाएगा, वैसे भी हर साल ये नया बनता है। ठीक, उसका नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफॉर्मा फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एनेक्सर फाइव, इसको भी आपको 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद के डेट का ही बनवाना है, और यही फॉर्मेट निकाल लीजिएगा, इसको आप लोग फिलअप करके अथॉरिटीज़ को देंगे तो वो बनाकर आपको देंगे जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग जैसे भी आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट्स अपनी बनवानी है।
आफ्टर दैट हम देखें तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एनेक्सर 6 में ये भी आपको बनवा लेना है और रिपोर्टिंग के पहले बनवा लीजिएगा, मतलब जैसे आपका अलॉटमेंट में नाम आ जाता है उसके बाद चाहे तो अभी भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बाद में भी देंगे तो भी इस मेडिकल फिटनेस के कारण है, बस आपको डिसेबल नहीं किया जाएगा, मतलब कि काउंसलिंग से डीबार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनलेस आपके पास PWD ऐसा कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेट है, जो फिर मेडिकल फिटनेस वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट सामान्य अगर आप हेल्दी पर्सन है, कुछ और प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो इसके बहुत ज़्यादा इतना नहीं है कि आपको दिक्कत दे दें, इसके लिए आपको समय दिया जा सकेगा वहाँ पे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी, एक चीज़ बतला दूँ यहाँ पे कि कोई ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं है कि किससे बनवाना है क्या बनवाना है, तो सिंपल यही है बस कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से बनवाना है आपको, ठीक। तो किसी से भी आप इस पे इजिली बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मेडिकल बोर्ड बैठता है वहाँ से ही बनवाना है, ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। बस मेडिकल फिटनेस बनवाना है, सिंपली देखेंगे आपके सराउंडिंग्स में जो भी डॉक्टर्स होंगे और ऑथराइज वाले जो मतलब लीगली काम करते हैं, तो उनसे आप बनवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है यहाँ पे। आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, तो ये सब बातें आप लोगों ने देख ली होंगी, तो हम हालांकि लिस्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, पर आप देखना चाहेंगे तो PDF में आपको आसानी से दिख जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कब कैसे क्या बनवाना है आपको, कहाँ से बनवाना है, सभी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। उम्मीद है कि मेरी ये हेल्पफुल वीडियोस की सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आप लोग के लिए हेल्पफुल हो भी रही होगी। अगर किसी प्रकार का और स्पेसिफिक वीडियो आप चाह रहे हैं तो कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं प्रॉपरली उस पर मेहनत कर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और मेरी ये मेहनत आप लोग के लिए पसंद आ रही है आप लोग को, तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।